The question is if x and y are connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy over dx. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। आपको है ना एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, तो आप देख सकते हैं कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन आपके पास है वो है x इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, दैट इज इक्वेशन नंबर वन, और वाई आपको दे रखा है वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ टू टी, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स, ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, आप आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन में ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि आप टी को एलिमिनेट किए बिना इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मेरे पास एक चॉइस ये भी था कि मैं टी को यहाँ पे एलिमिनेट करके एक्स और वाई में एक रिलेशन ले आऊं, जैसे मान के चलिए ऊपर से मैं साइन टी की वैल्यू जो कि एक्स है उसको नीचे वाली इक्वेशन में सबमिट कर दूं। पहले हम लोग कॉस टू टी को लिखेंगे वन माइनस के टू साइन स्क्वायर टी, और साइन टी की वैल्यू जैसे ही मैं फीड करूंगा तो मेरे पास एक्स और वाई में एक रिलेशन आ जाएगा। चलिए मैं इसे रफली आपको करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कमेंट कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम चाहे तो इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वन माइनस के टू साइन स्क्वायर टी, और ये जो साइन टी है ना इसको मैं अब x से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये y y इज इक्वल टू वन माइनस के टू एक्स स्क्वायर, फाइनली मेरे पास एक फंक्शन आ गया। और अब मैं चाहूँ तो इसे dy ओवर dx इजीली निकाल सकता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकेस अगर आप इस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, पर क्वेश्चन में ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपको एलिमिनेशन यूज नहीं करना है और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा कि ये सवाल है क्या। तो चलिए देखते हैं कि विदाउट एलिमिनेटिंग अगर मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है तो ये वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर लेता हूँ कि मान के चलिए वाई आपके पास एक फंक्शन है या वाई कोई एक वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन एफ वन टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्स जो दूसरा वेरिएबल एक्स है वो एक अनदर फंक्शन वो भी टी पे डिपेंड करता है, मतलब y भी t पे डिपेंड कर रहा है और x भी आपका t पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिफरेंट फंक्शन पे बेस्ड है ये। मतलब पहले वाले को मैंने f1 ले लिया है और दूसरे वाले को f2 कंसिडर कर लिया है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों फंक्शन सेम हो। जैसे आप देख सकते हैं कि x यहाँ पे साइन t पे डिपेंड कर रहा है लेकिन y आपका cos ऑफ 2t पे डिपेंड कर रहा है, तो फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल सेम है दोनों का, ठीक है। अब इनकेस अगर आपको dy ओवर dx निकालना है तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आप y को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर इसके बाद एक्स को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और दोनों क्वांटिटीज का रेशियो कैलकुलेट कर लें। ये जो रेशियो आपको मिलेगा डेट इज एक्चुअली द डीवाई ओवर डीएक्स, मतलब वो आपके पास डीवाई ओवर डीएक्स की वैल्यू होगी। तो चलिए देखते हैं कि अब इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाई आपके पास है वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ टू टी, ये आपके पास है विच इज द इक्वेशन नंबर टू। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, आप चेन रूल यहाँ पे लगा सकते हैं और इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस के टू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ टू टी, है ना। तो ये मेरे पास डीवाई ओवर डी टी की वैल्यू पता लग गई है। अब एक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है साइन ऑफ टी के, और यहां से अगर मैं डीएक्स ओवर डी टी कैलकुलेट करता हूँ तो ये वैल्यू मुझे बेसिकली मिल रही है कॉस ऑफ टी के। अब जैसा मैंने कहा कि बस केवल आपको दोनों क्वांटिटीज का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो जैसे आप इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो dy ओवर dx को आप लिखेंगे, ऊपर आपको dy ओवर dt यूज करना है तो ये है माइनस के टू साइन ऑफ टू टी, और नीचे आपको यूज करना है कॉस ऑफ टी के। वैसे आप चाहें तो ये रिजल्ट भी छोड़ सकते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको हल्का सा मैनिपुलेट कर लेंगे तो ये और कंफर्टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। पहला टर्म आपका माइनस टू है, ये है साइन टू टी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको साइन टू ए का फॉर्मूला याद होगा विच इज टू साइन ए कॉस ए। मैं चलिए लिख देता हूँ, अगर आप साइन ऑफ टू टी की बात करें तो आप इसे ओपन करके लिख सकते हैं टू साइन टी इंटू कॉस ऑफ टी के। तो यहाँ पे अगर मैं टू टाइम्स ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी न्यूमरेटर में यूज करूँ, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि आपके पास डाटा है कॉस टी का, तो आप देख सकते हैं कि कॉस टी से कॉस टी आपका कैंसिल हो जा रहा है एंड फाइनली यू आर गेटिंग माइनस के फोर टाइम्स ऑफ साइन टी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स फॉर द गिविन क्वेश्चन।